कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शनिवार शाम से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आपको बता दें कि पुलवामा इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया था। वहीं एक आतंकी को शनिवार देर रात मार गिराया गया, जबकि अन्य 2 रविवार सुबह हुई कार्यवाही में मारे गए। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को घेर रखा था, जिसके बाद एक आतंकी ढेर हो गया। वहीं मौके से AK-47 राइफल, एक पिस्तौल और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक मारे गए सभी आतंकी स्थानीय थे और आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए थे। इनमें से एक की पहचान जुनैद सीर गोजरी के तौर पर हुई है, जो 13 मई को कांस्टेबल रियाज अहमद की हत्या में शामिल था। वहीं 2 अन्य आतंकियों की पहचान पुलवामा जिले के फाजिल नजीर भट्ट और इरफान मलिक के तौर पर हुई है। वहीं इससे पहले पिछले मंगलवार को इसी इलाके में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के भीतर 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकियों को ढेर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।